उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना बिस्तरा क्षेत्र के अंतर्गत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपरटेक इको विलेज में दो व्यक्ति यानी कि दो मजदूर आपस में बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक आपस में कुछ कहा सुनी होने के कारण दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। अचानक से एक व्यक्ति के दिमाग में क्या आई, दूसरे व्यक्ति के सर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना जैसे ही नोएडा पुलिस को मिली, नोएडा पुलिस मौके पर पहुंचकर तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया। वे आरोपी को गिरफ्तार करके घटना की जांच कर रही है कि आखिर एक युवक ने दूसरे युवक की जान क्यों ली। जब ये आपस में बैठकर शराब पी रहे थे तो ऐसी इनके बीच में क्या ऐसी बात हुई जिससे एक दूसरे की जान पर उतर आए। तो क्या है पूरा मामला, क्यों इसने इसकी हत्या की है, क्या है पूरा कारण, तो आइए देखते हैं इस खास खबर को। हमारे साथ हैं एडिशनल कमिश्नर अंकिता मैम। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, सुपरटेक इको विलेज में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दो मजदूर आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में कहासुनी होती है और एक युवक दूसरे युवक की हत्या कर देता है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। दिनांक 3 अगस्त 2022 को अंतर्गत थाना बिस्तरा क्षेत्र सुपरटेक इको विलेज वन सोसाइटी में एक फ्लैट में इंटीरियर का काम चल रहा था। लगभग रात करीब 11:30 बजे उस फ्लैट में काम कर रहे दो मजदूर एक साथ शराब का सेवन कर रहे थे। उनका नाम है शेर सिंह और सुशील। उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद होने लगा और इसी बीच शेर सिंह ने हथौड़े से सुशील के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे कि सुशील को चेहरे और सर पे काफी गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा पुलिस को दी गई, जिससे तुरंत मौके पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया गया और अभियुक्त शेर सिंह को हिरासत में ले लिया गया एवं मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।